नमस्कार आदाब, माजा महाश न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। हम आज नांदेड़ शहर के टीपू सुल्तान रोड पर आए हुए हैं। यहाँ पर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस शरद पवार गट के रौब जमींदार ने महानगर पालिका के कमिश्नर को 8 दिन का अल्टीमेटम दिया था। जब 8 दिन में अगर से टीपू सुल्तान रोड का काम नहीं होने पर और महानगर पालिका के कमिश्नर को साड़ी और चूड़ियाँ दिए जाएंगे। और ऐसे ही कई नांदेड़ शहर के मसलों पर उन्होंने आवाज़ उठाई है। आज महानगर पालिका के तरफ से टीपू सुल्तान रोड का जो खड्डे बुझाने का काम शुरू है, आगे उनके जानते हैं कि कहाँ कहाँ की उन्होंने मांग करी थी और कहाँ कहाँ पर ये काम का विकास काम है और कहाँ पर बोगस काम भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, ये हम इनसे जानते हैं। मैं जिस तरीके से नांदेड़ शहर के देगलूर नाके पे कई सालों से समस्या है टीपू सुल्तान रोड की, जो रास्ते नाली यहाँ पर कोई भी विकास नहीं, और अपन कई बार जो आपने निवेदन दिए, कई बार आंदोलन भी करे, उसके बाद ये रोड का काम नहीं हो रहा, मगर आज यहाँ पर जेसीबी दिख रही काम शुरू है। और क्या मांग थी आपकी और शुरू क्या हो रहा है? रोड नंबर 24 के लिए और देगलूर नाका और नांदेड़ पूरे शहर के लिए हमने कई निवेदन दिए हुए हैं और ये हमने इशारा दिए थे कमिश्नर साहब को 8 से 10 दिन के अंदर जो है अगर ये काम चालू नहीं हुआ, रोड नंबर 24 होगा, मालटिकड़ी ब्रिज के लिए बैंड सी में भी निवेदन दिए, हैदराबाग के कई ऐसे रोड हैं जहाँ पे वर्क ऑर्डर होने के बाद भी लोग हैं कि नहीं इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके खुद का इलेक्शन कब आएगा और हम कब चालू करेंगे। कुछ लोगों को धमकियाँ दी जा रही कि हम काम नहीं का चालू करें तो क्या होगा। तो आने वाले 10 दिन के अंदर अगर ये काम चालू नहीं हुआ तो वो लोगों को भी यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब के जो भी कार्यकर्ता है, कमिश्नर साहब को और ये माजी नगर सेवकों की जो मिली भगत है इनकी, इनको आने वाले 8 से 10 दिन के अंदर इनको बता देंगे। और ये थातुर मतुर अगर काम कर रहे होंगे गड्ढे बुछा के, बाद में जो है तो उन्हें भाग जाने की अगर प्लानिंग कर रहे होंगे तो कमिश्नर साहब को इसका जो है इसकी जो तो कीमत चुकानी पड़ेगी। क्यों? तो अगर जब हम नहीं चाह रहे कमिश्नर साहब को चूड़ियाँ दिया जाए और उनकी बेइज्जती की जाए, हम मजबूर होकर यहाँ पे उनको चूड़ियाँ देने का, साड़ी वो देने का आंदोलन करने का हम इशारा दिया वाला है। अगर उन्होंने नहीं करे और हम कोई शिरे विरे के लिए काम नहीं कर रहे, कुछ लोग शिरे के लिए आके एक्टिंगा कर रहे, वैसे एक्टिंग करने वाले लोग नहीं है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग काम करने वाले लोग हैं। और हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे विद्यार्थी हो गए, ग्रामीण के अध्यक्ष हो गए, शहर के पूरे पदाधिकारी सभी मिल के हमने निवेदन दिया वाले, इससे पहले भी कई निवेदन दिए, कई आंदोलन भी करे हमने, लेकिन इनो सीधे अगर नहीं हुए तो इससे तीव्र आंदोलन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से होगा। और उन्होंने हमको उम्मीद है अगर काम होगा तो लोगों की समस्या कम हो जाएंगी, लोग परेशान हैं। गुरुता गद्दी में यह रोड बना था, इससे पहले भी कई लोगों ने, राजनेताओं ने राज किए, लेकिन यहाँ पे लोगों को वोट के लिए इस्तेमाल किए और जो लोगों को लोगों ने वोट दिए उन लोगों का काम है। इधर के जो भी नगर सेवक थे माजी, उन लोगों की नाकामी की वजह से आज ये लोगों का हाल हुआ है। ये जितने भी देख लो नाका रहने दो, जितने भी एरिया है, जितने भी खराब नूरी चौक रहने दो, इसके आगे रहने दो, ये पहले के नगर सेवकों के नाकामी की वजह से ये हाल हुआ है। आज 2-2 फीट के गड्ढे हैं ब्रिज के ऊपर, आज एक बच्चा गिर गया, बता रहे थे मेरे को अभी, एक लड़का गिर गया वहाँ ब्रिज पे भी, उन्होंने काम चालू करे। इंजीनियर का मुझे फ़ोन आया था, मैंने बोला तुमको भी हमने 10 दिन का टाइम दिया ला है, 10 दिन में अगर वहाँ काम नहीं होगा 10 तारीख तक, उसके बाद जो है तो वो उन्होंने काम चालू किए। और यहाँ पे भी सिटी इंजीनियर से हमारी बात हुई कि भाई आज तुमने जेसीबी भेजे और ये भेजे तो ये कुछ नाटक है क्या? पहले भी उन्होंने नाटक करे 2-4 बार, अगर आप नाटक कर रहे होंगे तो इनका नाटक आज ख़त्म ही कर देंगे हम। नगर पालिका पर ऐसा हाल हो जाएगा कि इन्हों मुँह दिखाने के काम के नहीं रहेंगे, चूड़ियाँ पहनना पड़ेगा पूरे अधिकारियों को। पे क्या खास बात है जब शिवाजी नगर पे, भाग्य नगर पे, शोभा नगर में जो है जो अच्छे अच्छे मर्क्यूरी लगाए जाते हैं, वहाँ पर झाड़े लगाए जाते हैं, वहाँ पर सेल्फी पॉइंट होता है, तो नांदेड़ की सबसे कदीम एरिया और सबसे अच्छी रोड जो बोलते हैं टीपू सुल्तान रोड, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो सकती क्या? इसका कारण क्या हो सकता कि विकास ये तरीके का क्यों? ये जो यहाँ के जो भी रहनुमा है सिर्फ कमीशन के और गुत्तेदारी के पीछे पड़े हुए, इनको लोगों का विकास नहीं होना, इनको लग रहा है कि हम आने वाला इलेक्शन आ गया, हम एक तरफ से लोगों को जो है तो जो देना है दे देंगे और चुन के आ जाएंगे। लेकिन जैसा मोदी को लोगों ने क्या करे, हम तुझे तुमको ही वोट देंगे, लेकिन मोदी की संख्या कितनी कम होगी देखिए आप, परेशान है बीजेपी वाले। महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी को 31 खासदार चुनकर आए, इसकी वजह यह है कि बीजेपी वाले जो कर रहे थे जुल्म अत्याचार कर रहे थे, उसी तरह यहाँ पे सेकुलर पार्टी है लेकिन बीजेपी की तरह यहाँ पे अत्याचार है देख लूँ नाके पे, ये लोगों का दादागिरी है। आने वाले इलेक्शन में सबकी दादागिरी लोग ख़त्म कर देंगे, उनको आखिरी तक बोलेंगे हम तुमको छोड़ दे रहे, लेकिन रिजल्ट जब आएगा, जब समझ में आ जाएगा कि कौन कितने पानी में। भैया इससे पहले भी आपने मांग करे थे कि यहाँ की बोगस ड्रेनेज का काम जो है
वो भी बोगासोरा है, हैदराबाद नंबर दो का, इस्लामपुरे का कोई कंस्ट्रक्शन है? हमने पत्र दिए, कमिश्नर साहब को पत्र दिए, उनकी चौकशी लगा बोले, लेकिन कमिश्नर साहब ने अभी तक कोई चौकशी नहीं लगाई और हमें झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। हम अब कोर्ट में जाने वाले हैं, इसके लिए हमने समझाया था यहाँ पे एक नंबर में भी जो काम करे, ये साकिब हॉस्पिटल के पास से सिर्फ ऐसा दो दो इंच का वहाँ पे जो तो मटेरियल डाल के पूरा बोगस काम करे, तो भी हमने बोले चौकसी करो और एक बार रोड बना दो, हमें मौका दिए। ये कितने दिन में रोड बनेंगे, अगर नहीं हुआ तो आंदोलन कब करेंगे? 10 तारीख, आने वाले 10 तारीख तक हमारा नगर पालिका पे आंदोलन रहेगा। नहीं, माझं म्हणणं काय आहे, राऊ जमीनदारांनी ज्या पद्धतीने काल आम्ही महानगरपालिकेमध्ये जाऊन माननीय आयुक्त साहेबांना निवेदन दिलं की या रस्त्या संदर्भामध्ये तुम्ही लवकरात लवकर जे खड्डे बुजवायचं काम करा, परंतु यांनी आज कामाला सुरुवात केलेली आहे, परंतु मला वाटत नाही की हे काम ज्या पद्धतीनं करायला पाहिजे त्या पद्धतीनं होईल म्हणून। आणि राऊभाईनं आयुक्त साहेबांना सांगितलेलं आहे की जर तुम्ही जर मजबूत रस्ता जर नाही केला तर तुम्हाला बांगड्या घालून तुम्हाला साडी घालण्यात येईल। हे राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाच्या वतीने त्यांना आवाहन आहे, जर त्यांनी नुसतं थातूर मातूर जर रस्ता केला आणि आम्हाला मूर्ख बनवण्याचा किंवा जनतेला मूर्ख बनवण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसतर्फे राऊ जमीनदार हे त्यांना बांगड्याचा आहेर आणि साडी चोळीचा आहेर त्यांना देण्यात येणार आहे। आणि आमचं आंदोलन हे गांधीगिरीनं असेल, आम्ही कुठल्याही प्रकारचं कायद्याचं उल्लंघन करणार नाही, फक्त आमची एवढी विनंती आहे की त्यांनी थातुरमातुर काम न करता इथल्या जनतेला जो त्रास होत आहे तो त्रास त्यांनी लवकरात लवकर त्याचा निपटारा करावा। नाही, पाठीमागच्या नगरसेवकांनी काय केलं याचं तर सगळ्या जनतेला दिसायलंय, पाठीमागच्या नगरसेवकांनी जे केलं ते आता जनतेला भोगावं लागायलं, त्याच्यामुळं जनता परेशान आहे आज, आणि ते जनता परेशान आहे म्हणून त्या जनतेला न्याय देण्यासाठी आज राऊ जमीनदार हे रस्त्यावर उतरलेले आहेत। आणि राऊ जमीनदार आज रस्त्यावर उतरल्यामुळं आज काल आम्ही परवाच्या दिवशीच निवेदन दिलं आणि लागलीच कामाला सुरुवात झाली, म्हणजे राऊ जमीनदारचं क्या कशा पद्धतीनं काम चालू आहे हे जनतेला अजून दिसून येत आहे। राऊ जमीनदारनं कोणती कारवाई मागणी केली तर रस्त्याचं काम सुरू झालं म्हणून, परंतु लगेच दुसऱ्या दिवशी ते दुसऱ्या मीडियाला आणून त्याचा शेरी घेतात इथले काही लोक, असे अनेक वेळा आम्ही बघितलेले आहे मेन रस्त्याचं। आता राजकारणामध्ये तर स्पर्धा चालू असते साहेब, आता सगळे ज्यांनी हे घेण्याचा प्रयत्न केला, महत्त्व श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला, ते लोक आता म्हातारे झाले, त्यांनी खुर्च्या सोडून टाकावं, नवं तरुण रक्त आहे राऊ जमीनदार, तरुण रक्ताला मौका दिला तर मला वाटतं की बाबा या जो मुस्लिम बहुल एरिया आहे या मुस्लिम बहुल एरियाचा विकासच होईल आणि त्याबरोबर नांदेडचाही विकास होईल। मी तर म्हणतो या वेळेस उत्तर विधानसभेमध्ये राऊ जमीनदार यांना इथली राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसतर्फे आमची तर मागणी आहे की यांना आमदारकीची उमेदवारीसुद्धा देण्यात यावी असं आमचं म्हणणं आहे, कारण की राऊ जमीनदारचं आत्तापर्यंतचं काम पाहिलं आणि सर्व समाजातील सर्व जाती धर्माच्या लोकांना घेऊन ते सोबत चालतात आणि सगळ्या लोकांचं समाधान करतात आणि त्यांचं सामाजिक आणि राजकीय कार्य एकदम चांगलं आहे, त्यामुळं येणाऱ्या विधानसभेसाठी आम्ही स्वतः सर्व राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच नसून तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटातर्फे सुद्धा सगळ्यांची इच्छा आहे, वरसुद्धा आम्हाला महबूब शेख यांनी आणि जयंत पाटील साहेबांनी स्वतः राऊ जमीनदार यांना विचारलं की तुम्ही आमदारकीचं तिकीट मागा म्हणून, तर आमची सुद्धा इच्छा आहे, जर त्यांनी जर वरून पक्षाने आदेश दिला तर आमदारकीला सुद्धा थांबण्याची यांची इच्छा आहे। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा।